हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से मांग उठ रही है, लेकिन हर जगह पुलिस मामले को रफा दफा करने पर उतारू है। आज शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए डीयू में कैंडल मार्च का आयोजन किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए शिक्षकों और छात्रों को पकड़कर मोरिस नगर थाने ले गई। आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में मनीषा वाल्मीकि, जिसका नाम अब सार्वजनिक हो चुका है, उसकी पहचान सार्वजनिक हो चुकी है, उसकी जाति सार्वजनिक हो चुकी है, और उसके ऊपर जो अत्याचार किया गया वह भी जगजाहिर हो चुका है, और अब इस अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है। जो पुलिस प्रशासन मनीषा की रक्षा नहीं कर सका, वह अपराधियों के पक्ष में खड़ा होने वाला प्रशासन है। कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद के पक्ष में खड़े होने वाले लोग आधी रात को बिना परिजनों की सहमति के चोरी चोरी जाकर के उसके मृत शरीर पर दाह संस्कार पेट्रोल डाल के करते हैं। ये एक ऐसा कृत्य है जिसपे पूरे देश में आक्रोश है। तो एक विश्वविद्यालय का धर्म ये है कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक, शोधार्थी, छात्र अपने समाज में कोई चीज हो रही है उसके खिलाफ खड़े हो, और यहाँ SHO पुलिस क्या कह रही है कि यहाँ इमरजेंसी लागू है और हमने थाने में बुला लिया। डेमोक्रेटिक राइट छीन लिए गए हैं अघोषित आपातकाल, और इसका विरोध करते हुए हम लोग ये मोरिस नगर थाने से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जहां भी हो सड़क पे उतरिए और न्याय की रक्षा करिए, वरना आगे और भी बुरा वक्त आएगा। लेकिन ये अघोषित आपातकाल है, और अभी मैं मोरिस नगर थाने में हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, और पिछले 3 दशक से हूं इस कैंपस में, और पहली बार हुआ है कि प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैंडल लाइट मार्च, और पुलिस एक एक करके सबों गाड़ी में बैठा लिया, डिटेन कर लिया, और थाने में अभी सारे टीचर शोधार्थी यहाँ पे सब खड़े हैं थाने में। तो ये तो कह भी रहे हैं कि ये आपातकाल है, एक इमरजेंसी लगा हुआ है, जहाँ एक लड़की का ब्रूटल रेप मर्डर हुआ है, जहाँ उसको जलाने में पुलिस शामिल है, उसके खिलाफ भी इस देश में अगर प्रोटेस्ट नहीं करे लोग, प्रोटेस्ट नहीं करे, नहीं करने दिया जाए, तो इसका मतलब देश का संविधान खतरे में है और लोकशाही खतरे में है। Today, the issue which the nation is facing is, you know, the girl who has been brutally murdered and raped, and no institution, either state institutions, UP में भी हो या central government भी हो, इसका ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, and it is shame that, you know, I mean, a woman has been brutally raped and murdered, and police is not allowing us to protest here, and the entire, you know, communities must come together and fight for justice for this girl who has been killed. और ये भी रोहित वेमला को जिस तरीके से जलाया गया है, इसको भी उसी तरीके से जलाया गया है। एविडेंस का खत्म करने के लिए पूरा इनको लेके जलाया गया है। They did not even allow parents to see the face of the, you know, the girl. You know what kind of, you know, inhuman society that we are living. If you question this and you become a problem to the system and you are not allowing us to protest here. We are here to protest, extend our solidarity, and you know we will be continuously protesting about this issue. अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे मनीषा के केस के ऊपर, और एक चीज ये हालत है कि हम लोग पहुंचे हैं और उठा उठा के सबको बंद कर दिया, प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया। और अभी जब मैंने ये पूछा कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, तो क्या कोई ऐसा है कि देश में इमरजेंसी लागू हो गई, तो यहाँ का पुलिस अधिकारी कहता है कि हाँ जी देश में इमरजेंसी लागू है। ये अब खुले में कहा जा रहा है कि इस देश में अब इमरजेंसी लागू है, लोकतंत्र खत्म हो गया, और किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक बच्ची जिसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, और उसके लिए, उसके पक्ष में अगर हम लोग यहाँ खड़े होने आए हैं, उनके लिए न्याय मांगने आए हैं, तो हम कोई अपराध कर रहे हैं? आखिर क्या छुपाना चाहती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो रात के अंधेरे में, और उस बच्ची को जो अंतिम बर्थ, अंतिम राइट होता है हिंदू सभ्यता के अंदर, और हिंदू धर्म के ठेकेदारों की सत्ता है, तो उसमें क्यों नहीं उसको ये न्यूनतम जो है चीजें भी उसके लिए, उसके परिवार वालों को क्यों नहीं सौंपा गया? और इतना दर्दनाक और विभत्स बात है जो रिपोर्ट आ रही है कि पेट्रोल जलाया गया है, जैसे लगता है कोई अपराधी हो। अपराध किया था उस लड़की ने, कोई उसके साथ अपराध किया दुर्दांतों ने, उसको हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसको करे ना उसके साथ, उसमें परेशानी हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई जो कहते थे कि हिंदू धर्म खतरे में, आज उनको कोई खतरे में नहीं दिख रहा, और इतना बड़ा जो एक न्यूनतम राइट था वो भी उस बच्ची का पूरा नहीं हुआ, जिसका, जिसके साथ संवेदना बरतनी चाहिए थी, जिसके साथ सम्मान से उनको करना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। ऐसे मतलब घिन हो रही है, और आप सबको मैं ये अपील कर रहा हूं कि ये खुले में कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लागू है, जी लोकतंत्र खत्म हो गया, तो
तो अब आप लोग सब लोग बाहर निकलिए, लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने। इन सभी लोगों को थाने में करीब एक घंटे तक रोक कर रखा गया, बाद में सभी को छोड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस देश में अब शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल लाइट मार्च करना भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।